नमस्कार, मैं हूं वैशाली शेट्टी, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं महाराष्ट्र और मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी। गोली चलाने वाले दोनों आरोपियों को गुजरात से किया गिरफ्तार। सागर पाल और विकी गुप्ता के रूप में हुई दोनों आरोपियों की पहचान। गुजरात पुलिस के मुताबिक बिश्नोई गैंग के सदस्य है दोनों आरोपी। आरोपियों से पूछताछ में हो सकते है कई बड़े खुलासे। चिलचिलाती धूप और गर्मी के बीच मुंबईकरों के लिए आई बेहद जरूरी खबर। दरअसल बांद्रा और धारावी के ज्यादातर इलाकों में 18 और 19 अप्रैल को बंद रहेगी पानी की सप्लाई, जबकि कुछ इलाकों में 25% तक रहेगी पानी की कटौती। धारावी के नवरंग कंपाउंड में स्थित 2400 मिली व्यास की पाइपलाइन को मुख्य वेतरना पाइपलाइन की मरम्मत और जोड़ने का किया जाएगा काम। बीएमसी ने लोगों से की पानी बचाकर इस्तेमाल करने की अपील। महाराष्ट्र में लू और मुंबई में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी। मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में अगले दो दिनों तक 38 डिग्री तक जा सकता है तापमान। तीनों जगह पर लू चलने का मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। लोगों को धूप में न निकलने की दी जा रही है सलाह। 40 से 50 डिग्री के बीच भी पहुंच सकता है अधिकतम तापमान। बीजेपी ने हाल ही में अपने घोषणा पत्र में 70 या उससे अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कवर देने का किया वादा, लेकिन मुंबईकरों को मिलेगा इस योजना का बेहद कम फायदा, क्योंकि मुंबई के 10 से भी कम बड़े अस्पतालों को रखा गया है योजना के अंतर्गत। गर्मी की छुट्टियों के कारण हो रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे लगातार चला रही है स्पेशल ट्रेनें। मुंबई सेंट्रल से बनारस के बीच चलाई जाएगी स्पेशल एसी ट्रेन। 17 अप्रैल से हर बुधवार को मुंबई सेंट्रल से रात 10:50 पर छूटेगी स्पेशल ट्रेन। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है सभी जरूरी जानकारी। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अंजन गांव सूजी में बड़ा हादसा। दरअसल यहां एक घर में अचानक से हुआ सिलेंडर ब्लास्ट। हादसे में एक बच्चा समेत 9 लोग हुए घायल। ब्लास्ट के बाद लगी आग की चपेट में आने से पूरा घर जलकर हुआ खाक। इलाके में मच गया हड़कंप। नवी मुंबई की एक अदालत ने 8 बांग्लादेशी महिलाओं को भारत में अवैध रूप से रहने के मामले में ठहराया दोषी। कोर्ट ने सुनाई 25 महीने की कठोर कारावास की सजा। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना। 4 साल की बच्ची के साथ एक युवक ने किया रेप। पुलिस ने किया बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में मायावती को लगा बड़ा झटका। एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना में बीएसपी के 2 बड़े नेता हुए शामिल। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोशल मीडिया एक्स पर दी जानकारी। मनसे प्रमुख राज ठाकरे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने की तीखी टिप्पणी। कहा, राज ठाकरे की राय हमेशा रहती है बदलती, कभी कभी वे अपना मन बदलते रहते हैं। महाराष्ट्र मुंबई की 10 बड़ी खबरों को देखने के लिए N24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार। को एक बड़ी जानकारी दे दे कि N24 न्यूज अब कई केबल नेटवर्क 7 स्टार के साथ साथ कई OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जिसमें टाटा प्ले स्टोर, जियो टीवी, ई बाबा, डेली हंट, एंड्रॉइड टीवी समेत कई OTT प्लेटफॉर्म हैं, जिस पर N24 न्यूज 24 घंटे साल के 365 दिन उपलब्ध हैं। इसके अलावा अब तक यदि यूट्यूब पर आपने N24 न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तत्काल सब्सक्राइब करें, ताकि आपके इलाके की खबर समय रहते आप तक जरूर पहुंचे।